किसान भाइयों, आप सभी का चैनल किसान ऑफिस पे हार्दिक स्वागत है। मैं नवीन फिर से आपके चैनल किसान ऑफिस पर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि गर्मी का समय आ चुका है और दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ते जा रहा है। चारों ओर जो नदियाँ नाला सूखते जा रही है, जल स्तर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम हमारे घरों के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उसको कैसे जीवित रखें। आज का यह वीडियो किसानों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो नौकरी पेशा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो अन्य कार्य करते हैं तथा अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने का शौक रखते हैं। जो पेड़ पौधे लगाते हैं तथा उनको पानी की समस्या होता है, उस समस्या को निदान के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। और कम से कम सिंचाई जिस विधि से हम करेंगे उस विधि को हम बोलते हैं टपक विधि या तो मटका सिंचाई विधि। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि जो पहली बार चैनल में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो घंटी का बटन है उसको दबाए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है आप तक पहुंच सके। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस विधि के लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है उसको आपको बताने जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस विधि को शुरू करने के लिए हम जो सामग्री बता रहे हैं उसमें मिट्टी का घड़ा, पुआल, लगभग 6 फीट आकार का 3 डंडा आप देख पा रहे हैं, इस तरह से काट लेंगे, या तो बांस का हो या तो लकड़ी का हो। ये है जूट का रस्सी। तो सबसे पहले जो पेड़ देख पा रहे हैं हम, यहाँ एक लीची पेड़ है और इसके साथ में यहाँ पर देख पा रहे हैं पपीता पेड़ जो कि पानी की कमी के कारण सूख जा रहा है। सबसे पहले इसके जड़ों के आसपास हम बोड़ लेते हैं अच्छे से, तो साफ सफाई कर देंगे। देख पा रहे हैं केचुआ खाद इसको जड़ों के आसपास ऐसे छा देंगे। इसको डालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये पूरी तरह से जैविक खाद है और इसमें ह्यूमस का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है जो कि नमी इसको पेड़ में हमेशा बनाए रखता है। अब देखिए ये पुआल है, अगर पुआल नहीं था घास फूस भी, अब इसको ढकने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हल्का हल्का ऐसे बिछा देंगे पेड़ के चारों ओर। हम पुआल का काम ये होता है कि जो भी इसमें पानी जब गिरेगा तो उसको वाष्पोजन होने के लिए रोकेगा, पानी ऊपर धूप के ताप से ऊपर वाष्पोजन नहीं होगा। इसके बाद का जो प्रक्रिया है मुख्य प्रक्रिया है उसमें हम घड़ा को कैसे सेट करते हैं उसको आपको हम बताएंगे। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये घड़ा है, अब इसको हम किस तरह से छेद करेंगे और इसको कैसे लगाएंगे उसको आपको भी हम बताने जा रहे हैं। इस तरह से एक आप जो भी इसको बोलते हैं आप अपने में औजार ले लीजिएगा नुकीला वाला, चाहे आप काटी भी ले सकते हैं, एक हथौड़ा ले लीजिए और इसको जस्ट बीचों बीच ऐसे करके हल्के से धीरे धीरे करके इसको रखिएगा। इसको धीरे से मारिएगा, जोर से मारेंगे तो घड़ा फट भी सकता है। इसके बाद जो प्रक्रिया है देख पा रहे हैं ये है जूट का रस्सी, इसको हम इस तरह से ये छेद देख रहे हैं इसमें से इसको पार करना है। देखिए निकल चुका है और ये ऊपर जो है इसको हम इसको यहाँ गांठ मार देना है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे गांठ लगाना है। इसको ऐसे पकड़ के देखिए सेट हो गया और इसी के माध्यम से पानी आएगा। जब पानी इसमें घड़े में पानी भरेंगे यहीं से पानी टपकेगा, उसको अभी आपको हम करके दिखाएंगे पानी भर के। उसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। आइए आगे का प्रक्रिया आपको हम बताते हैं। आप बांध देना है उनको, देखिए रस्सी को इस प्रकार बांध दिए हैं, इसको थोड़ा ढीला बांधा ताकि हिले डुले। अब इसको हम ऐसे सेट कर देंगे इस जगह। अभी जो घड़ा है इसमें हम ऐसे रस्सी को ऐसे लटकाएंगे, देख पा रहे हैं थोड़ा समय लगेगा करते करते। देखिए इसको घड़ा को लटका दिए, अच्छे से बांध भी दिए, देख पा रहे हैं सेट हो गया है। इसके नीचे से आप देख पा रहे हैं रस्सी लटक रहा है, इसी में से पानी आएगा, पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम पानी भरेंगे। किसान भाइयों, हमारा पूरा सिस्टम सेट हो गया है। आइए हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बूंद बूंद पानी गिरता है। बूंद बूंद पानी गिरता है इसीलिए इसको हम टपक विधि बोलते हैं या तो, और घड़ा से इसको सिंचाई करते हैं इसीलिए इसको घड़ा सिंचाई या मटका सिंचाई बोलते हैं।
आइए दिखाएंगे हम किस तरह से बूंद बूंद पानी गिर रहा है। देख पा रहे हैं आप, कमान नजदीक लो, ये देख पा रहे हैं एक एक बूंद पानी गिर रहा है। इसमें तकरीबन 10 लीटर पानी है जो लगभग बूंद बूंद गिरेगा तो 24-25 घंटा आराम से चल जाएगा। और देख पा रहे हैं नमी हो चुका है और पुआल है, इसमें जल्दी से नमी को धूप में सूखेगा भी नहीं, नमी यहीं पर रहेगा। आज हम लीची पेड़ में किए हैं, फिर जब इसको हटाना रहेगा तो सिस्टम को पूरा उठा के हम जब यहाँ कर देंगे तो इसमें ये पपीता पेड़ में सिस्टम को पूरा हटा के हम इसमें कर देंगे तो पपीता मिस्सा हो जाएगा। इस तरह से हाँ, तो किसान भाइयों हम आपके घरों के आसपास जो भी फल वाले वृक्ष है या तो पौधा है छोटा पौधा है, इसको गर्मी बचाने के लिए यह तरीका को अपनाइए। बहुत ही सरल और सिंपल है और कम पानी में इसको हम सिंचाई कर सकते हैं। हमारे वीडियो में लंबे समय तक बने रहने के लिए सभी किसान भाइयों को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से आएंगे हमारे चैनल में किसान ऑफिस में एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार।